आप देख रहे हैं ईटीवी भारत, यह है न्यूज टाइम। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में नकलचियों के लिए बुरी खबर, दो बार नकल करते पाए गए तो कभी नहीं दे पाएंगे बोर्ड परीक्षा। देश के कोचिंग इंस्टीट्यूट पर इंदौर हाईकोर्ट की नकेल, 50 से ज्यादा छात्रों के एडमिशन पर कराना होगा पंजीयन, 3 माह का दिया समय। मध्य प्रदेश राज्य नीति आयोग ने 22 जिलों के लिए एबीपी फेलो के पद पर निकाली भर्ती, इच्छुक आवेदक 29 जनवरी तक कर सकते हैं आवेदन। सागर के बीना में लाखों की कर्ज में डूबी डॉक्टर दंपति ने उठाया आत्मघाती कदम, घर पर मिला शव, भाजपा से टिकट के रहे हैं दावेदार। गुना के मुक्तिधाम से चोरी हो गई अस्थियां, पीड़ित परिजनों ने जाहिर की नाराजगी, सामने आया लगातार 4th मामला। ग्वालियर के सेंट्रल जेल में राम मंदिर, यहां भी 22 जनवरी को होगी प्राण प्रतिष्ठा, राम भक्ति में डूबे सभी कैदी। अयोध्या में भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर दुल्हन की तरह सजाया गया महाकालेश्वर मंदिर, महाकाल लोक में सांस्कृतिक कार्यक्रम में झूमे भक्त। इंदौर के 160 CBSE स्कूलों के बच्चों ने बनाई भगवान राम की 41,000 से अधिक पेंटिंग, गोल्डन बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में दर्ज हुआ पेंटिंग का प्रदर्शन। ग्वालियर में संरक्षित है 468 साल पुरानी हस्तलिखित अरबी भाषा में अनुवादित रामायण, इसी स्थान पर रानी लक्ष्मीबाई युद्ध में हुई थी शहीद। बुरहानपुर के श्रीराम मंदिर में भगवान को शीतलहर से बचाने को खास जतन, भगवान को पहनाए गए गर्म वस्त्र, माता सीता और लक्ष्मण के साथ हनुमान जी का भी विशेष ध्यान। ये थी अभी तक की प्रमुख खबरें, अधिक खबरों के लिए लॉगिन करें www.etvbharat.com।